यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन आई थी वो मुरादाबाद के जनाब आरिफ साहब की थी। तो यहाँ पर पूरी टीम मुरादाबाद से आए हुए सब मौजूद हैं। ये आरिफ भाई हमारे, लीजिए कुछ कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, अलीगढ़ आए हुए हैं सेकंड इनाम लेने। फर्स्ट मुरादाबाद में मार चुके हैं हमारे आरिफ भाई, और ये आरिफ भाई बैंक का ढाल वाले कर मशहूर हैं। और मैं हाजी इमरान, मुझे जानते ही होंगे शायद। और भाई हमारे जमाल भाई आए हुए हैं और इलाहाबाद से हैं साहब। और इनके बराबर में है शोभी भाई, और इनके बराबर में है हाजी इमरान, हाजी रेहान साहब, और इनके बराबर में है हाजी जाकिर साहब, और उनके बराबर में है आरिफ अजीज साहब। और इधर आ जाइए, हमारे मुन्नू गोटा साहब हैं, और हमारे हाशम भाई हैं, और हमारे इमरान भाई इलाहाबाद से हैं, और ये रेहान भाई अलीगढ़ से हैं, और ये हमारे प्रिंस भाई आ गए। प्रिंस भाई हैं मुरादाबाद से, और ये हमारे आरिफ भाई के उस्ताद हैं रईस भाई, और ये हमारे ये दादा उस्ताद हैं सॉरी, और ये हमारे बहुत बहुत ज्यादा शुभ चिंतक है, और ये हमारे राजीव भाई हैं और आशीष गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत मुबारक है मुरादाबाद वालों को, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से। आगे, आगे, आगे। और इसी तरह बढ़े, थोड़ा आगे आ जाओ आशीष भाई, इसी तरह आगे बढ़े आप। और ये जो कप इतनी देर से हो रहे हैं, 40 साल सरदार दिलवीर साहब ने भी कप करवाए हैं, मैं इसी तरह चाहता हूँ कि ये कप का जो कंटिन्यू जो चल रहे हैं, जैसे नीरज भाई करा रहे हैं, अपने संजय दुबे साहब करा रहे हैं, सब भाई जो करवा रहे हैं, ये आगे भी इसी तरह कप करवाएं। और जो ये कप हो रहे हैं, ऐसे कप पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुए आज तक, ये मेरा अपना स्टेटमेंट है। तो यूपी प्रवाद आज से नहीं चल रही, कई सालों से बहुत पुरानी, जिसे कहते हैं 60-70 साल से भी ये ज़्यादा कबूतरबाजी जो है बड़े तादाद में जो कबूतर उड़ाए जाते हैं, और आज जो है 351 तक भी कबूतर परवरिश जो है हमारी पहुंच चुकी है। जी जी जी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। और एक और मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ लोगों का वहम होता है कि लाहौर में कबूतरबाजी बड़ी तेज़ है, सियालकोट में बड़ी तेज़ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारी सियालकोट की और जम्मू की और लाहौर की और अमृतसर की कबूतरबाजी काफ़ी पीछे है अभी, जो सच्चाई है। ठीक है, उड़ान के हिसाब से, उड़ाने हमने भी उड़ाई हैं, बचपन से मैं उड़ा रहा हूँ, तो शिगिर्द भी आगे उड़ा रहे हैं, जीत भी रहे हैं, विनर भी हैं, लेकिन मैं एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ, जो यूपी में कबूतरबाजी है वो कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, और यहीं से कबूतरबाजी गई है। यूपी में भी मुरादाबाद में सच्चाई है, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो है ना ये चाहिए। हाँ। तो लोगों के मिथ में मत जाए कि कबूतरबाजी वहाँ की है, ये फलानी नस्लें हैं, फलानी, ये सभी इन्हीं से बनी है, यहीं पर नवाब होते थे, जुड़वारे होते थे, यही यूपीगढ़ था या राजस्थान, कोटा अपना ये हो गया, अपना जयपुर हो गया, टोंक हो गया, ये सारी चीजें थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो इसलिए ये जो मिथ है जो बनाया हुआ है कि कबूतरबाजी वहाँ के कबूतर बड़े अच्छे हैं, आपके कबूतर उनसे ऊपर कोई कबूतर नहीं है, अभी भी ओरिजिनलिटी के कबूतर हमारे यूपी शहर में पड़े हैं, और यूपी ने पूरी दुनिया को कबूतर दिए हैं, पूरी दुनिया का कबूतर दिए हैं, और कबूतर परवरिश भी दी है, तो इससे बड़ी कबूतर परवरिश कहीं नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें अगर कोई झूठ बात है, मेरे से कोई भी बंदा अगर कहना चाहे, जो भी बाहर के बड़े बड़े उस्ताद है, जो अपने को वर्ल्ड फेमस कहते हैं, वो अगर कोई बात करना चाहे मेरे से जरूर करे, अगर कोई बहस भी है हमारे पास पुख्ता सबूत है। आज हम नेट में डाल रहे हैं, ये नेट में डालते ही नहीं थे, जो यूपी प्रवास के जो हमारी लिस्ट थी, अभी भी मैं कोशिश करता हूं कि हमारी लिस्ट एक कबूतरों की बने, अच्छे कबूतरबाजी जो हमारी दिखाई जाती है 101 151 की, वो ज़्यादा तादाद की वजह से कबूतर शो ही नहीं करते, और 11 कबूतर का कैलेंडर बन जाता है, और हमारे लोगों का कैलेंडर नहीं बनता, तो ये एक चीज़ होनी चाहिए, एक टाइमिंग के हिसाब से 111 105 155 के हिसाब से आप कबूतरों को कैलेंडर पे जरूर लाएं, कैलेंडर पे जरूर लाएं। ठीक है जी, ताकि दुनिया को जहान को पता लगे कि कबूतरबाजी असल कबूतरबाजी कहाँ की है, और उस्ताद कौन लोग थे, यूपी के वो उस्ताद थे जिन्होंने पूरी दुनिया को उस्तादी दी है, जिन्होंने पूरी दुनिया को उस्ताद बनाया। आज दुनिया में कई लोग उस्ताद बन के बैठे हैं, लेकिन उस्तादी जो निकली है यहीं से निकली है, और कबूतर पर भी जो सच्चाई है उसको मानना चाहिए। ठीक है ना आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी का मतलब यह है कि ये लोग जो 1000 कबूतर पाल रहे हैं और 7 कबूतर उड़ा रहे हैं, 8 कबूतर उड़ा रहे हैं, वो लिस्टें बना रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, हम लोग 151 उड़ा रहे हैं, 225 उड़ा रहे हैं, 163 उड़ा रहे हैं, सिर्फ 300 450 कबूतर पालकर, तो उसमें हम इतना बड़ा शौक दिखा रहे हैं, और वो लिस्टें कैलेंडर पर आ जाती हैं 7 वालों की, हमारी नहीं आ पाती। लेकिन मुरादाबाद की तारीख ये है, आशीष जी को मैंने शायद नॉलेज में आए हो कि हमारे यहाँ पिछले साल 17 टीमें उड़ी थी, 17 टीमें 101 की उड़ी थी,
और इस साल 21 टीमें उड़ी हैं जिसके विजेता ये रहे हैं, 17 टीमों के विजेता मैं रहा था, कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। और 34 टीमें 51 वाली उड़ी थी हमारे यहाँ मुरादाबाद में इस साल 34, और 21 टीमें 105 वाली। अब आप इससे कबूतरबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कबूतरबाजी का मुरादाबाद छोटे से शहर के अंदर क्या मतलब मेयार है। ऐसे कबूतर लोग शौक ऐसे दिल से करते हैं कि अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा कबूतरबाजी करनी है हमें, ना कि चिड़ी मारी। जो लोग 1100-1200 कबूतर पालकर 7-8 और 11 कबूतर उड़ा रहे हैं उनके लिए है ये मैसेज जो हमारे आशीष जी ने कहा कि कैलेंडर पे आ जाते हैं उनके। देखिए मैं बचपन से कबूतरबाजी कर रहा हूँ, सियालकोट हो गया, जम्मू हो गया, लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया। हमारी जो कबूतर परवरिश थी लास्ट कबूतर पे थी, और कबूतर भी उसके साथ लगते थे पहले टाइम में, हमारे भी लगे हैं जब मैंने बचपन में स्कूल टाइम में जब बाजियाँ लगाई है, और अपनी लाइफ स्पैन खराब की है कबूतर परवरिश के मुकाबले। और इसलिए मैं खुद कहता हूँ कि अभी आप कबूतर परवरिश में इस चीज़ से अगर मैं लेवल की बात करूँ, कबूतरों में नंबर वन मैं हूँ अपने तादाद के हिसाब से, ब्रीडों के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। लेकिन जिस चीज़ में हम पीछे हैं उसको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप आगे हैं तो आप आगे ही हैं, ठीक है ना। इसमें कोई मेरा छोटापन नहीं होगा कि मैं कहूँगा नहीं जी मैंने ऐसे उड़ाए थे, उस टाइम में उड़ाए थे। बड़ापन वो है जो अच्छाई है, जो ओरिजिनलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना। और 101 कबूतर उड़ाना कोई खाला जी का काम नहीं है, आराम से नहीं उड़ते हैं, बड़ा टाइम लगता है। और उसमें भी काफ़ी तादाद में कबूतर जाते हैं, लोगों ने 10-11 जो हम कबूतर उड़ाते हैं उसमें भी 100-100 कबूतर कई बार काट जाता है हमारा, बहुत बढ़िया। तो इसलिए जो सच्चाई है उसको, कड़वे सच को एक्सेप्ट करें और सही चीज़ बोलें, झूठ मार के कभी भी कोई चीज़ नहीं बोलें। और जो ये मिथ बनाते हैं ना, हम वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन का मतलब होता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कबूतरबाजी, वो तो यहीं पर होगी। तो आज की नहीं चल रही, आज के पुराने रिकॉर्ड भी आप देख लें, पुराने रिकॉर्डों में भी शाम शाम की परवाजों में कबूतर बैठते रहे हैं। तो ये एक मिथ फैलाना जी, जो वहाँ के ओरिजिनल कबूतर हैं वो उड़ते नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसा कोई नहीं, ओरिजिनल ही उड़ते थे। ओरिजिनल की कीमत ज़्यादा क्यों है फिर, तो डुप्लीकेट की कम क्यों है? आप ओरिजिनल कबूतर की कहीं भी कीमत लगाओगे, जो खिलाड़ी होंगे ना ओरिजिनल कबूतर को ही उठाएंगे। तो आज भी अगर ओरिजिनल कबूतर लोगों ने संभाले हुए हैं, उनको आज भी मैं यही मैसेज देता हूं कि उनको और ब्रीड अच्छी करें, उनको प्योर फार्म में रखें, क्रॉस में वही रखें, जब उनके बढ़ जाएं तो उनको क्रॉस में डाल के आगे बाजियों में लगाएं। इसके साथ ही ज़्यादा चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद है।